जी न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को पढ़ना का नमस्कार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना वायरस प्रभाव के चलते कैला देवी में धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस उप अधीक्षक वृत्त अधिकारी राजकवर के निर्देशन में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जो लोगों की भीड़ को तितर बितर करते हुए कोरोना से बचाव के लिए निर्देश देता गया। इस दौरान पुलिस जीप द्वारा कस्बे में गाड़ी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई, जिसमें लोगों को धारा 144 लागू होने के बारे में अवगत कराते हुए भीड़ भाड़ से दूर रहने तथा सावधानी बरतने की सलाह दी गई। इससे पूर्व पुलिस उप अधीक्षक वृत्ताधिकारी राजकवर एवं थाना अधिकारी दामोदर डोई द्वारा कस्बे का बाजार बंद करवा दिया गया। कैला देवी मंदिर से बस स्टैंड तक सभी दुकानें पुलिस प्रशासन ने बंद करवाई। इससे लोगों में काफी निराशा देखी गई। उल्लेखनीय है, कोरोना वायरस के चलते कस्बे में पहली बार कैला देवी मेला स्थगित किया गया, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपए की चपत लगी। उसके बाद लोगों की दुकानें भी बंद करवा दी गई। कैला देवी मेला अभी 23 तारीख से चालू होना था, जिसकी हमने कल मीटिंग रखी थी, पर ऊपर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें दुकानों की नीलामी और किसी भी प्रकार के मनोरंजन के जो भी यहाँ लगते हैं उनको नहीं लगाने के आदेश आए हैं। यात्री दर्शन करने आना चाहता है तो दर्शन करके और जा सकता है। आज दिन भर की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। हमारे चैनल के लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।